हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये इंडियन इजी फेस टिप मेकअप लुक, और आपको बताने वाली हूँ कि कौन से 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं आई मेकअप करने से पहले, क्योंकि बिगनर्स बहुत मिस्टेक करते हैं, उन्हें आई मेकअप करने का स्टार्टिंग वर्जन पता नहीं होता, वो डायरेक्ट अपने आईज पे आई शैडो अप्लाई कर लेते हैं। तो आज मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आई मेकअप करने से पहले आपको फॉलो करने होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी कर देना अगर अच्छी लगी तो। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टोनर, जो कि गुड वाइब्स का है, एवोकाडो टोनर। आप यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पास जो भी टोनर हो उसे यूज़ कर सकते हो। टोनर से हमारे स्किन हाइड्रेट होते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं, क्लियरिफाइंग होते हैं, और ये आपके पोर्स को टाइटन अप करता है और आपके पीएच लेवल्स को भी मेंटेन करता है। तो टोनर यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं हम वो 5 स्टेप्स की जिन्हें हमें फॉलो करने हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। इससे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपने पूरे फेस को अप्लाई करके मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, क्योंकि कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले फेस मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है प्राइमर की, सेकेंड ऑफ द टॉप है ये, क्योंकि अगर आप आई मेकअप करो या फेस मेकअप करो आपके फेस एंड आईज प्राइमर लगाने ज़रूरी होते हैं, प्राइम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे प्राइमर को बेसिकली स्किप नहीं करना है आपको। तो सेकंड मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, ये था ब्लू हेवन का सिलिकॉन बेस प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करो। अब मैं यहाँ थर्ड यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, और ये है मेवलिन फिटमी फाउंडेशन। इसमें मेरा सेट था 125, तो आप देख सकते हो मैंने इसको दिखाया भी। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा टोनर से ही स्प्रे आउट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लेंडर ड्राई था। ड्राई ब्लेंडर से कभी आपको ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो आपका सारा फाउंडेशन आपके स्पंज में ही सोक हो जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी, एकदम से गीला मत कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है, एंड नेक को कवर करते हुए। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ फेस के साथ आप नेक को भी कवर किया करो। फिर अब फोर्थ नंबर आती है कंसीलर की, और आई को कंसील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ आई मेकअप पे फोकस कर रहे हैं। तो पहले फिंगर से अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर देती हूँ। आई को अच्छे से कंसील करिए आपके, क्योंकि आई का जो एरिया होता है वो थोड़ा डार्क होता है, इसलिए उसको अच्छे से कंसील करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ ओरिफ्लेम का द वन एल्यू स्किन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाले हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब 5 नंबर हम अपने फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करेंगे, एंड आई को भी, क्योंकि स्पेशली फोकस हम आई पे कर रहे हैं, इसलिए आई जैसे ही हम कंसीलर अप्लाई करें और उसको पाउडर से सेट कर देना। आप यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने पूरे फेस एंड आई को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दी हूँ। स्पेशली आईज़ के नीचे थोड़ा ज़्यादा पाउडर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम आई शैडो अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा फॉल आउट हो जाते हैं। हमारा फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप है कोई लाइट कलर का आई शैडो अपने पूरे क्रीज़ पर अप्लाई करना। तो मैं यहाँ मोर्फी पैलेट से ये वाला लाइट सेट लेके अपने पूरे आई लीड पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद आप जो कलर का आई शैडो अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर का आई मेकअप करना है कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन लेके अपने क्रीज पे अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ से अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको, वो सारे आपको आई मेकअप करने से पहले फॉलो करने हैं, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना स्टेप नहीं करते हो तो आपका आई मेकअप जो है वो उभर के नहीं आएगा, पॉप आउट नहीं होगा। जो भी मेकअप प्रोडक्ट आप अपने आईज़ पे अप्लाई करोगे वो आपके स्किन के साथ चिपक जाएगा, तो वो क्लियरली पूरा पिगमेंटेशन नहीं आएगा उसका। और आप करके देखना ऐसे, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके और विदाउट फॉलो करके आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक स्टेप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना और बेल आइकन हिट करना, ऑल पे सिलेक्ट करना, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप देख रहे हो मेरे आईज़ पे मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे पिंक शेड लेके अपने आई लीड के क्रीज़ में ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपना क्रीज़ रेडी नहीं किया है। यहाँ पिंक शेड लेके मैं अपने क्रीज़ पे ही ट्रांजिशन को हाईलाइट कर रही हूँ। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ सिल्वर पिंकी शेड लेके, ये पिंकिस टाइप का था,
नॉट पूरा सिल्वर भी नहीं था बट पिंकिश टाइप का था, इसको लेके मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। सिमड़ी सेड है इसलिए इसको फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। मैट अगर आपका कोई मैट सेड है तो उसे आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, बट सिमड़ी सेड जो होता है ना वो काफ़ी पिगमेंटेड होता है, तो उसे आप फिंगर से अप्लाई करोगे तो वो ईजिली ब्लेंड भी हो जाएगा और अप्लाई भी हो जाएगा। ब्रश से ये इतना पिगमेंटेशन नहीं आएगा, आप करके देखना, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सिमड़ी सेट था इसलिए मैंने फिंगर से अप्लाई किया और ये बहुत अच्छे से हो गया। फिर मैं ये थोड़ा पिंक एंड ब्राउनिश टाइप का है, पिंक एंड ब्राउन दोनों मिक्स मैच करके मैं यहाँ अपने लोअर लैस लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो दोनों में फ़र्क, खुद देख सकते हो आप दोनों में फ़र्क। अगर आप नीचे स्मच आउट नहीं करते हो और आप स्मच आउट कर लेते हो तब आप दोनों आइज़ में फ़र्क देख सकते हो। आई मेकअप कंप्लीट लगता है अगर आप इस तरीके से स्मच आउट कर लेते हो तो। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप ब्राउन शेड हो या फिर लाइट शेड हो या फिर जिस कलर से आप अपना आई मेकअप कंप्लीट कर रहे हो उसको नीचे भी स्मच किया करो। फिर मैं यहाँ आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये है मेरा म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर। इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत अवश्यम है, बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और ये बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है और बहुत जल्दी ड्राई आउट भी हो जाता है। तो इसको आप लगाओ और इसे आपके ऊपर वाले लैसेस में लगने का कोई चांस नहीं है। जब तक आप लगाओगे तब तक ये ड्राई भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपका लाइनर लग भी जाएगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फेवरेट है, ये है और एक और है मेरे पास जेल आईलाइनर पर्पल का। ये दोनों मेरा करेंट फेवरेट है, पहले का पता नहीं बाद का पता नहीं बट ये मेरा करेंट फेवरेट है। तो आई लव बोथ। तो दोनों आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिए, दोनों आईज़ में मैंने लाइनर अप्लाई कर लिए हैं और ये थोड़ा सा मैं विंग क्रिएट की हूँ। काजल के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का मैग्नेट ब्लैक कोल काजल और ये वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है, काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है, ये आपका इधर उधर बिखरेगा नहीं, जहाँ आप इसे अप्लाई करोगे आसानी से वहीं बैठा रहता है। फिर मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा जो कि मेरा मार्स का मस्कारा है और इसको अपने आई लैसेस पे अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ कोई फेक आई लैसेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरा नेचुरल आई लैसेस है जो कि काफ़ी विंग आउट नहीं है, मेरे छोटे छोटे आई लैसेस बड़े भी नहीं हैं। तो अपर लोअर लैसेस में अप्लाई करने के बाद इसको लोअर लैस लाइन पे भी अप्लाई करना है। अब बारी आती है लिप बाम की, तो लिप मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की का ऑरेंज लस्ट 3 और मेरे पास एक यही लिप बाम है, मेरे पास दूसरा नहीं है। अब फील करने की बारी आती है आईब्रो की, तो आईब्रो फील करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का ये ब्राउन जेल आईलाइनर है और इससे मैं अपने आईब्रो भी फील करती हूँ। जैसे मैं कि मैं अपने रिव्यू वाले वीडियो में भी आपको बताई थी कि इस आईलाइनर से आप अपने ब्रो भी फील कर सकते हो, आप इसको आईलाइनर के जैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको काजल के जैसे भी यूज़ कर सकते हो, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए परफेक्ट है। और ये ब्राउन शेड जो है मेरे ब्राउज़ को फील करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, मुझे ये बेहद अच्छा लगा। अब इसको एक ब्रश से ब्रश आउट कर देना है, ये आईब्रो ब्रश है तो इसमें दोनों साइड होते हैं, एक कॉम्ब होता है और एक ब्रश होता है, तो इसको मैं ब्रश आउट कर देती हूँ और ये मेरा आईब्रो का काम हो गया फिनिश। अब मेकअप सेट कर लेते हैं, नेचुरल फिनिश वेट एंड वाइल्ड का है इस सेटिंग स्प्रे से, तो मैं कुछ इस तरीके से स्प्रे आउट कर लेती हूँ और इसको थोड़े देर सूखने देंगे। जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम अपने फेस को थोड़ा ब्रॉन्जिंग कर लेते हैं, तो ब्रॉन्जिंग के लिए मैं उसी आई शैडो पैलेट से ये ब्राउन शेड पिक करके अपने फेस को ब्राउन्ज कर रही हूँ। वैसे आज जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सबका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने अभी तक अपने फेस को कंट्यूर नहीं किया था। मैं आज क्रीम कंट्यूरिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए आज मैं आई शैडो से ही पाउडर ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। तो ब्राउन शेड लेके पूरे फेस को इस तरीके से आपको ब्रॉन्ज कर लेना है, क्योंकि नोज़ कंट्यूर करना भी बहुत ज़रूरी है आपको परफेक्ट शेप में लाने के लिए। तो मैं अपने नोज़ को भी इस तरीके से कंट्यूर कर लेती हूँ। अप्लाई करने के बाद थोड़ा फिंगर से ब्लेंड आउट कर देती हूँ ताकि ये परफेक्ट ब्लेंड हो जाए। फिर मैं यहाँ ब्लश कर रही हूँ उसी आई शैडो पैलेट से, ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का है, ऑरेंजिस पिंकी है, पिंकीस है, तो इसको
चिक्स पे अप्लाई कर लेना है स्माइल करते हुए। थोड़ा नोज़ के पास तक जाएंगे तो बस इस तरीके से फेस को ब्लश आउट कर लेना है और ये ब्लश का काम भी कंप्लीट है लगभग। तो कुछ इस तरीके से आप अपने फेस को ब्लश भी कर लो अप्लाई, फोरहेड पे भी कर लेना, थोड़ा सा चिन पे भी कर लेना, तब जाके आपका फेस परफेक्ट कंप्लीट लगेगा। अब बारी आती है हाइलाइटर की, मेरा फेवरेट पार्ट। तो हाइलाइटर के लिए भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम ब्रश, और कुछ इस तरीके से अपने टॉप ऑफ द चिक्स पे अप्लाई करना है। हाईलाइट जो हम करते हैं वो अपने टॉप ऑफ द चिक्स करते हैं, ब्लश मिडिल ऑफ द चिक्स करते हैं, कंट्यूरिंग लोअर ऑफ द चिक्स करते हैं। तो ये तीनों का स्पेस बना होता है, सबको अपनी अपनी जगह पे सेट करना है हमें। तो अब मैं थोड़ा इस तरीके से हाईलाइट कर लेती हूँ, और आप ना हाईलाइट को इस तरीके से एस बनाते हुए अप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट अपने पूरे शेप में आ जाएगा और अच्छे से अप्लाई भी हो जाएगा। तो फिर लगेगा नहीं कि आपने इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा है या फिर ज़्यादा है, पूरा आपका फेस ओके लगेगा। फिर टियर डक्स को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो मैं यहाँ फिंगर टिप से ही अप्लाई कर रही हूँ। तो टियर डक्स को अप्लाई करने के बाद थोड़ा ब्रो बोन भी हाईलाइट कर लेते हैं, तभी तो आई हमारा पॉप आउट करेगा। आप इस लुक को किसी भी पार्टी में भी क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन हो या फिर वेडिंग गेस्ट मेकअप हो, या फिर आपके घर के छोटे मोटे पार्टी फंक्शन या फिर कोई फेस्टिव लुक हो उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरे किसी भी मेकअप लुक को रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। तो ये फेस का मेकअप ऑल ओवर कम्प्लीट हो गया है मेरा। अब बारी आती है लिप्स की, विदाउट लिपस्टिक तो हमारा मेकअप अधूरा है। तो हम यहाँ तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पिंक लिपस्टिक जो कि है हुडा ब्यूटी का मिनी लिपस्टिक। तो ये है पिंक शेड में और मैं अपने लिप पे इसे अप्लाई कर लेती हूँ। बट ये मुझे कुछ ज़्यादा ही लाइट दे रहा था, लग रहा था कुछ ज़्यादा ही पिंक है, तो इसका थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि या क्या ये सीड ठीक है या फिर इसको थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए था। बट मैंने यहाँ पे टोन डाउन किया है। तो मैं यहाँ पे ये NYBA का न्यूड सीड है ये मेरा, तो इसको ऊपर से अप्लाई कर लेती हूँ तो थोड़ा सा इसका टोन डाउन हो जाता है। ऐसे मुझे लग रहा था कि बहुत चंकी लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा टोन डाउन करती हूँ। ये ना हैक है कि अगर आपका लिपस्टिक कोई ज़्यादा बोल्ड आउट लग रहा है तो उस पर आप न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर लो, उसका टोन डाउन हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया है बिंदी, जो कि मेरे पास पिंक बिंदी नहीं मिल रही थी तो मैंने ये ब्लू बिंदी ही अप्लाई कर लिया। फिर मैं ये अपना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये इयररिंग आपको कैसा लगा। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। बिंदी के साथ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, मैं कंफ्यूज थी तो मैंने बिंदी निकाल दिया। तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था मेरा फेस, मैं सोची नहीं बिंदी अच्छा लगता है, तो फिर मैंने बिंदी अप्लाई कर लिया। तो ये ओवरऑल मेरा पूरा फाइनल लुक है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और जो भी स्टेप्स मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए हैं अगर वो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं मनीषा मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।